यहाँ से बनी इसराइल की तारीख का एक और रुख आप देखेंगे। बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि बात बनी इसराइल की हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बनी इसराइल के रवैये को हमारे सामने खोलकर, हमारे सामने रख के दरअसल हमें समझाया जा रहा है कि तुम वो नहीं करना जो वो कर चुके। यहाँ सिर्फ बनी इसराइल की हालत पर तबसरा मकसूद नहीं, खबरें सुनाना मकसूद नहीं, कि किस्से सुनाना ही मकसूद नहीं, बल्कि इन किस्सों में इबरत है। जैसे कि सूरत यूसुफ की आयत 111 में है, लقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, इनके किस्सों में इबरत है, सबक है अकल वालों के लिए। तो अकलमंद लोग जब इन आयात को पढ़ें तो इन्हें सिर्फ बनी इसराइल का हाल समझ कर न पढ़ें, बल्कि इसमें अपने हाल का जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम भी वही तारीख तो नहीं दोहरा रहे। तो आयत नंबर 83 में 83 में अल्लाह सुबहान व तआला बनी इसराइल के साथ किए हुए एक अहद का जिक्र कर रहे हैं कि बनी इसराइल से पक्का वादा लिया गया था कुछ बातों पर। और आप देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इन तालीमात में और उनमें जो हमें दी गई। वइज अखज़ना मीसाक बनी इसराइल, और जब हमने पक्का वादा लिया बनी इसराइल से, किस तरह ये वादा लिया गया था? पैगंबरों के जरिए, अंबिया के जरिए। क्या वादा? ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, न किसी फरिश्ते की, न किसी रसूल की, न शजर की, न हजर की, किसी भी और चीज की इबादत न करोगे, किसी और के आगे नहीं झुकोगे, किसी और के लिए सजदा नहीं करोगे, किसी और के लिए सदका खैरात नहीं करोगे। तुम्हारी सारी नमाज और कुर्बानी, जीना और मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा, क्योंकि बंदों पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है। अल्लाह ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और यह हुक्म जो बनी इसराइल को दिया गया, ये सिर्फ बनी इसराइल को नहीं दिया गया, बल्कि जितने भी अंबिया दुनिया में आए उन सब ने अपनी कौमों को यही सबक सिखाया, यही बात कही। सूरत अन्नहल आयत 36 में आता है, वलकद बासना फी कुल उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। और अलबत्ता तहकीक, भेजा हमने हर उम्मत में एक रसूल ये कहकर कि लोगों अल्लाह की इबादत करो और तागूत की बंदगी से बचो। यानी तमाम अंबिया का एक ही पैगाम रहा है। क्या पैगाम रहा है? अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ने बंदों को पैदा किस लिए किया? वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अपनी बंदगी के लिए। और हर पैगंबर ने आकर यही सबक याद करवाया कि लोगों इधर उधर नहीं होना, अल्लाह ही की इबादत करना। और फिर जैसा कि पीछे भी आप पढ़ चुके हैं या कनाबुदू में, और आगे भी आप इस इबादत की तफसीलात पढ़ेंगे कि हर तरह की इताअत और बंदगी सबसे पहले अल्लाह का हक है, और जहाँ अल्लाह का हक हो वहाँ किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह के बाद जो बड़ा हक है बंदों में से, वो सबसे ज्यादा वालिदैन का है। और वालिदैन के साथ एहसान करना, और एहसान होता है किसी के हक से बढ़कर उसको देना, अच्छा सलूक करना, खूबसूरत मामला करना। और इसमें भी इंसान अपने कौल के साथ, अपने फेल के साथ, यानी जबान के साथ, मामले के साथ, माल के साथ, उसके पास जो भी अथॉरिटी है या जो भी अल्लाह ने बंदे को नेमत दी है, उन सारी नेमतों के साथ अपने वालिदैन के लिए सबसे पहले खैर और भलाई चाहने वाला हो। अपनी जबान के साथ हम अपने वालिदैन के साथ कैसे अच्छा सलूक कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए? नरमी से। अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में इसकी वजाहत कर दी है। क्या? सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, कि अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो तुम उनको उफ भी ना करना। यानी माँ बाप से बात करते वक्त बदतमीजी नहीं, उफ नहीं, वला तन्हरहुमा उनको डांटना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा और उनके साथ इज्जत से बात करना, एहतराम से बात करना। तो माँ बाप के साथ एहसान की पहली शक्ल क्या है? जबान से एहसान, बात में एहतराम, अदब, सलीका, उफ नहीं कहना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और दूसरा है जिस्म के साथ। जिस्म के साथ
क्या कि सबसे पहले उनके सामने रहमत के साथ, शफकत के साथ कंधे झुका के रखो, यानी आजजी बदन से भी जाहिर हो। माँ बाप के सामने जब बैठो या बात करो तो तुम्हारा पोस्चर जो है उससे अदब और एहतराम झलक रहा हो, उसमें एरोगेंस ना हो। नाक चढ़ा के, कंधे उचका के, सर उठा के माँ बाप से नहीं बात करो, बल्कि किस तरह झुक कर आजजी के साथ। और फिर वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एहसान की एक शक्ल ये कि उनके लिए दुआएं करो, और दुआ में खुद दुआ सिखा दी, हम पर नहीं छोड़ा कि जो मर्जी दुआ करो, खास तौर पे दुआ करो कि या अल्लाह इन दोनों पे रहम कर जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला। तो वालिदैन के साथ एहसान क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ हैं, अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। हमारी एग्जिस्टेंस किस वजह से है? हमारे माँ बाप की वजह से। उन्होंने हमें दुनिया में लाने के लिए तकलीफ उठाई है, हमें पाला है, हमारे लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, दिन को तकलीफ उठाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हमें खिलाने में, पिलाने में, पढ़ाने में, शादी ब्याह में एक एक चीज को प्यार और मोहब्बत से किए चले जाते हैं, अपने आप को थका डालते, बूढ़ा कर देते हैं अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए। तो इसलिए उनके साथ क्या करो? एहसान करो, अच्छा मामला करो, गुफ्तगू में भी और अमली रवैये में भी, जिस्मानी खिदमत के जरिए भी, और फिर माल के साथ, यानी जब तुम्हारे पास हो और उनके पास ना हो तो फिर क्या करो? उनकी जरूरियात पूरी करो। लोगों ने पूछा कि क्या खर्च करें? ये सलून कमादा युनफिकून, तो अल्लाह सुभानहू तआला ने क्या फरमाया? वमा अनफक्तुम फलिल वालिदैन। सबसे पहला हक माँ बाप का रखा, जब खर्च करने निकलो, किसी को देने निकलो, तो सबसे पहले किसको दो? माँ बाप को दो, उनको पहले पूछो। उनको छोड़कर बाईपास करके दुनिया भर के चैरिटी के काम करते रहो तो वो वैल्यूएबल नहीं है, जब तक पहला हक नहीं दोगे। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है? फरमाया, वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए, यानी अल्लाह की इबादत अव्वल वक्त में। फिर पूछा गया, उसके बाद कौन सा काम? फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। फिर पूछा गया, उसके बाद? फरमाया, खुदा की राह में जिहाद करना, यानी बाकी सब काम बाद में, सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, और फिर बाकी नेकी के काम। और इसमें बहुत सारी वजाहतें हैं, तफसीलात हैं कि हम माँ बाप के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कि जो हम हर रोज कर सकते हैं। माँ बाप के साथ हमें कम्युनिकेट करना होता है, बात करनी होती है, तो अपनी बात करने के अंदाज को हम दुरुस्त कर लें। इसी तरह उनके साथ आर्जी का मामला करें, खिदमत करें, उनकी कामों में मदद करें, उनकी हेल्प करें, और फिर अगर अल्लाह ने माल दिया है तो माल से उनकी मदद करें। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें अगर बाकी नेमतें दी, कोई सहूलतें हमें दी, बाज़ुकत ऐसा होता है ना कि माँ बाप गरीब होते, बच्चे पढ़ लिख जाते, उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलत और नेमत होती, तो फिर भी वो अपनी उन नेमतों में माँ बाप को शरीक नहीं करते। वो कहते, नहीं, आप अपने घर ही रहिए, और हमें अल्लाह ने तरक्की दी है, इस तरक्की और इस दुनिया की रौनक और हर चीज़ से फ़ायदा उठाना बस हमारा अपना हक है। तो ये इंतहा दर्जे की खुदगर्ज़ी है। जब अल्लाह बंदे को नेमतें दे तो उन नेमतों को सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहिए? माँ बाप के साथ, अपनी खुशियों में, अपनी हर चीज़ में, क्योंकि उनसे बढ़कर हमारा कोई भी खैरख्वाह नहीं हो सकता। वो अगर नाराज भी होते या डांटते भी हैं या सख्ती भी करते, उसके पीछे भी उनकी नफरत नहीं होती, उसके पीछे भी दरअसल उनकी खैरख्वाही होती है। उनका अंदाज कुछ भी हो सकता, लेकिन उनकी नीयत में शक नहीं किया जा सकता या उनकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ने उनके दिलों में रखी है, जिसे कोई निकाल नहीं सकता। वज़ल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, इसमें उसूल याद रखिए कि जो करीब तर है उनका हक ज्यादा है और जो दूर है उनका हक कम है। करीब तर कौन है? माँ बाप के बाद कौन है? औलाद। अकरबा में सबसे ज्यादा करीब तो औलाद होती है ना, फिर औलाद की औलाद है, इसी तरह बहन भाई है, फिर उनके बच्चे। तो बहन भाइयों का हक ज्यादा है बनिस्बत बहन भाइयों के बच्चों के, ठीक है। इसी तरह खाला मामू, उनका हक ज्यादा बनिस्बत उनके आगे बच्चों के। इसी तरह चचा और दीगर रिश्तेदार। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रिश्तेदारी चार नस्लों तक जाती है, यानी कम से कम चार नस्लों तक अगर आपके रिश्तेदार जो जिंदा हैं या कहीं भी हैं, आपके जान पहचान में हैं, तो उनके साथ एहसान करते रहें। और ये खा माँ बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से, और फिर शादी के बाद ससुराली रिश्ते भी अकरबा में आ जाते हैं, करीब वालों में आ जाते हैं। और इनके साथ भी कौली एहसान और फेली। कौली क्या है? कि बात करो तो अच्छे तरीके से करो, और
जब उन्हें मदद की जरूरत हो तो उनकी मदद करो और रिश्तों को काटो नहीं, कतई रहमी नहीं करो, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला की नाराजगी आती है। फिर इसके बाद क्या करो? वल यतामा, यतीम। अब आप देखिए कि इंसान अल्लाह का हक समझता है अपने ऊपर कि अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया है, माँ बाप का कि उन्होंने हम पे एहसान किया, रिश्तेदारों का कि वो खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन है, लेकिन उसके बाद यतीम और मिस्कीन, सोसाइटी का कमजोर तरीन हिस्सा, उनका हम पर कोई एहसान नहीं होता। पिछली कैटेगरी में ये सब कौन है जिनके किसी न किसी तरह हम पर एहसान है, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको लौटाएं। मगर यतीम और मिस्कीन, उनका हम पर कोई एहसान नहीं। लेकिन अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? उनको भी दो जो तुमको देते हैं, और उनके साथ भी अच्छा करो जिन्होंने तुम्हारे साथ कभी कुछ भी नहीं किया। ये इस्लाम की अखलाकी तालीमात है जो बनी इसराइल को दी गई और उसके बाद हमें भी यही दी गई। और यतीम को क्यों? क्योंकि बाप के मरने की वजह से यतीम बच्चों की जरूरियात और उनकी तरबियत और बाज़ुकत उनके माल की संभाल, उनके माल को लुक आफ्टर करना, उसके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, हमारे पास वक्त नहीं, और अगर हम आज अच्छा करें कल हमारे पल्ले पड़ जाएंगे, ये रोज़ हम पे डिपेंड करेंगे। तो इंसान क्या चाहता है कि किसी न किसी तरह उनसे जान छुड़ा ले, क्योंकि यहाँ एहसान का हुक्म दिया जा रहा है, यतामा से एहसान करो। अच्छा, जब जान छुड़ानी होती है तो फिर लोग क्या करते हैं? सख्त बर्ताव करते हैं, बेरुखी करते हैं, डांट डपट देते हैं। कुरान मजीद में एक और जगह क्या कहा गया? अम्मल यतीमा फला तकहर, बदतमीजी नहीं करनी यतीम से, उससे डांट डपट नहीं करनी, उसके साथ ज़बरदस्ती और सख्त मामला नहीं करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। और फिर यह है कि उनकी किफालत, चूँकि बाप की जिम्मेदारी होती है ना कि बच्चों को देखे किधर जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो बाप के ना होने की सूरत में अखलाक की जिम्मेदारी है तुम्हारी, यतीम बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है। क्योंकि एक औरत के बस में नहीं होता पूरी नस्ल को सीधे रस्ते पर लगाना, इसमें मर्द का तावन बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर किसी का बाप ना हो तो बच्चों के बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा होता है, या उन बच्चों की जो आइंदा ज़िंदगी की प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, या उनकी पढ़ाई लिखाई है, या उनकी शादी ब्याह है, उसकी जिम्मेदारी लो, ये है उनके साथ एहसान। बस आमतौर पर आप देखें कि बाप जिंदा है तो बचपन से सोचने लगते हैं कि अच्छा कहाँ पढ़ाएंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, किस दोस्त के साथ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें माँ बाप देखते हैं। लेकिन जब वो नहीं सर पे होते और कोई भी और कहे कि हमारी हेडेक नहीं है, तो ये इंतहाई गलत बात है। नहीं, तुमसे अहद लिया जा रहा है कि तुम इनका भी ख्याल रखोगे। फिर उसके बाद मसाकीन आते हैं, माँ बाप हैं लेकिन बीमार हैं, या हैंडीकैप है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से बैठे हुए। मसाकीन के जो सुकून बस टिक गए एक जगह, उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, बीमारी है, निकल नहीं सकते, जहनी कोई बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, कोई डिप्रेशन है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते, तो तुम्हारा क्या फ़र्ज बनता है? उनके साथ भी एहसान करो, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। और चूँकि मसाकीन वगैरह जो होते हैं वो बेचारे अपने आप को नहीं संभाल सकते, किसी को क्या कहेंगे, अमूमन वो शिकवा शिकायत भी नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरत का इजहार भी नहीं कर सकते। बाज़ ऐसे सफ़ेद पोश होते हैं कि भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बताएंगे। तो एक इस्लामी सोसाइटी का फ़र्ज बनता है कि वो खुद आंखें खोलें और देखें कि कौन कहाँ ज़रूरतमंद है, और वो उसका ख्याल करें। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? एहसान करने को, सिर्फ ये नहीं कहा कि उनके हक हकूक दे दो, का एहसान करो। और एहसान उस वक्त होता है जब आप दूसरे के रवैये से बेहतर रवैया अख्तियार करते, ये एहसान होता है। एक होता है ना जैसा कोई तुमसे करे वैसा तुम कर दो, और एहसान क्या है? डिग्री अबव, दूसरा जो भी करता है, सामने वाला जो भी करता है, तुम उससे अच्छा करो, उससे ऊपर उठ के करो। वरना तो आप देखिए आपको हर एक से इतनी शिकायतें होंगी कि आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। किसको माँ बाप से शिकायतें नहीं होती, किसको रिश्तेदारों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है? कोई ऐसा कि जो कहे नहीं मेरे रिश्तेदार तो बहुत ही अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं? हर एक को कुछ ना कुछ होता है। तो भले माँ बाप से शिकायतें हो, भले माँ बाप सख्ती का बर्ताव करते हो, भले रिश्तेदार आपको ना पूछे, भले यतीम मिस्कीन आपकी इज्जत ना करे, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है ना कि सोसाइटी के ऐसे लोग जो हर तरफ से महरूम होते हैं, फिर वो क्या करते हैं? रिवेंज लेने लगते हैं, और कुछ नहीं तो बदतमीजी करेंगे, बदकलामी करेंगे, पीछे बातें करेंगे, या किसी न किसी तरह तंग करेंगे, सताएंगे। तो एहसान का मतलब है इन सारे फैक्ट्स के बावजूद तुम्हें क्या करना है? अच्छा करना है। यह है इंसानियत। वकूलू लिन्नास हुस्ना, और कहो लोगों से खूबसूरत। क्या खूबसूरत बात, खूबसूरत बात कहो,
कोई चीज़ कैसे खूबसूरत होती है? खूबसूरती को डिफाइन करें, ब्यूटी को डिफाइन करें। जो चीज़ देख के खुशी हो, सुन के खुशी हो, जो अच्छी लगे, जिसे हर कोई अच्छा ही कहे, हुसन किसको कहते, ब्यूटी किसको कहते हा? जो अट्रैक्ट करे, जो अच्छी लगे, और ज़ाहरी तौर पर भी और बातनी तौर पर, अपनी ज़ाहरी शक्ल में भी और अपने कंटेंट के अतबार से। कूलू लिन्ना से हुसना का क्या मतलब है कि जब लोगों से बात करो तो कैसी बात करो कि जो अपने स्टाइल में भी खूबसूरत हो, उसमें नरमी भी हो और उसका कंटेंट भी दुरुस्त हो। बाज़ुकात लोग दूसरों को हंसाने की बातें करते हैं लेकिन वो क्या होती हैं, झूठ। तो ऐसी बात कौलन हसनन नहीं है, हुसन नहीं है। हुसन वो है जो ज़ाहिर में भी खूबसूरत है और अपने हकीकत के अतबार से भी खूबसूरत है। और यहाँ पर हुसन क्यों कहा गया? कूलू लिन्नास हुस्ना, हुसन कहने का तो नहीं होता, लेकिन हुसन जो है ये मस्तर है, और मस्तर को जब सिफत के तौर पर लाया जाता है तो वो मुबालगे के लिए होता है, यानी इंतहाई खूबसूरत, बहुत ताकीद है इसमें। और इसमें आम हालात में जो गुफ्तगू है उसमें भी खूबसूरती चाहिए, और ख़ास तौर पर जब दीन की बात आप किसी को बताएं तो और ज़्यादा उसे अच्छा करके बताएं, जो दूसरों के दिल में उतरने वाली हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा, कहो उनके दिलों में बात जो दिल में उतर जाए, दिल में उतरने वाली बात करो, जो दूसरे के दिल को लग जाए, दूसरे के दिल को छू जाए, टच कर जाए, वो है खूबसूरत बात। देखिए अच्छी बात किसको अच्छी नहीं लगती हुँ? लेकिन हम कितने बखील होते हैं बाज़ुकात अच्छी बात करने में, या नहीं? कोई हमसे बात करे काट खाने को दौड़ेंगे, और फिर बाज़ुकात ये होता है कि हम बाहर तो कुछ फिर अच्छी कर ही लेते हैं इज्जत के मारे, लेकिन घर में ज़रा सा कोई हमको छेड़े तो क्या करते हैं, टेस्ट है कल आपका, और कोई आपको डिस्टर्ब करे कैसे पेश आएंगे आप उससे? आप कुछ करना चाह रहे, किसी का फ़ोन आ गया, क्या रिएक्शन होता है? यानी ऐसे वक्त में किसी का फ़ोन आए जब आपको पसंद ना हो, तो उस वक्त आपके मुंह से क्या निकलता है ज़रा उसको नोट कीजिए, आपके चेहरे के तासरात क्या होते हैं उसको नोट कीजिए। खूबसूरत बात जो है उसमें स्टाइल भी अच्छा हो, चेहरे के तासरात भी अच्छे हो। ये नहीं कि आप वैसे बड़े नरम बोल रहे हो और घूर रहे हो और किसी को इस तरह देख रहे हो कि दूसरे डर ही जाए। और बात यह है कि बाज़ुकात स्टाइल खूबसूरत होता है और बात दुरुस्त नहीं होती, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर झूठ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी आप किसी से दुरुस्त बात करें लेकिन किसी को खुश करने के लिए गलत बयानी नहीं, या किसी तीसरे शख्स का मजाक नहीं। और इसमें आवाज़ का जो चढ़ाव है, ऊंच नीच है, वो भी काउंट करता है। बहुत मोनोटोनस ना हो, या फिर ये कि आप ही बोले ना जाएं, या चीख चिल्ला के नहीं बोले, क्योंकि कुरान मजीद में सबसे बदतरीन आवाज़ किसको कहा गया, गधे की आवाज़ को। आम हालात में भी अच्छा बोलना चाहिए, मगर दीन की बात करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। क्यों? वरना लोग दीन से भाग जाएंगे। बाज़ुकात हम लोगों को ब्लेम करते हैं, मगर मुश्किल ये होती है कि हम खुद इस अंदाज में बात करते हैं कि दूसरों को चुभ जाती है। चुभने वाली बातें कौलन हसन नहीं है। बाज़ुकात हम कहते हैं हम जरा उसको सुना के छोड़ेंगे, हम उसको बता के छोड़ेंगे, हम उसको लाजवाब कर देंगे, और इसमें क्या बहादुरी कि आप खुद बहादुर बने हुए लाजवाब कर रहे हैं दूसरों को। यानी कि ठीक है, किसी को दलील देना अपनी जगह है, और दलील भी खूबसूरती से दो। कुरान मजीद में दावत का उसलूब क्या बताया गया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसनति वजादिलहुम। झगड़ा कर सकते हो लेकिन कैसे, बिल्लती हिया अहसन, खूबसूरत अंदाज से झगड़ना भी है। अच्छी बात के लिए मिसाल दी जाती है कि फुला के मुँह से फूल झड़ते हैं, फूल खूबसूरती का सिंबल है ना, ऐसी बात करो जिससे फूल झड़ रहे हैं। और फिर यह है कि बहुत तकल्लुफ और मुश्किल लफ्ज, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, दूसरे को हैरान परेशान छोड़ दें, कहाँ क्या है, ऐसी बात करें जो दूसरे के लेवल के मुताबिक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे बात करते थे उसके लेवल पे करते थे कि उसको समझ में आ जाए। लेकिन लेवल का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों से बात करें तो तोतली जबान में बोलना शुरू कर दें, या आप उनसे बिगाड़ बिगाड़ के लफ्ज़ बोलना शुरू कर दें, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे कब तक बच्चे ही रहेंगे। तंजिया और जू मानी बातें भी नहीं करनी चाहिए, और दूसरे को चोटें लगाना और एतराज़ का अंदाज, और जब बात करें तो ऐसे जैसे दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं आप, ये भी नहीं होना चाहिए। आराम से बात करें कि जिससे बात दूसरे को समझ में आ जाए। इसमें भी तफसील काफ़ी है, तो अगर आप मज़ीद पढ़ना सुनना चाहें तो किताबों में बातें लिखी हुई हैं,
वालिदैन के ऊपर एक छोटा सा किताबचा वालिदैन हमारी जन्नत का सेट भी और बुक भी है, तो उसमें रिमाइंडर के तौर पर अहादीस और आयात जमा की गई हैं। और इसी तरह गुफ्तगू का सलीका जो है इसमें कुलुल नासे हुस्ना की तफसीर है, तो अगर आप मज़ीद सुनना चाहें तो उसमें सुन सकते हैं। व अकीमुस्सलात, और उसके साथ अल्लाह का हक भी नहीं भूलना, नमाज कायम करना है, और नमाज कायम करने में फ़र्ज़, नफल, सुन्नत वगैरह सब कुछ। और कायम करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नमाज की शरायत, अरकान, वाजिबात, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अब देखिए कि जैसे नमाज ही की बात है, तो हज़रत मरियम को अल्लाह सुबहान तआला कुरान मजीद में कहते हैं, या मरियम उक़नुती लिरब्बी की वस्जुदी वरकई मा अर्राकीन, आल इमरान 43 में आता है। तो हज़रत मरियम को भी नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं औरतों के लिए भी थी, और उन्हें जमात के साथ नमाज का कहा जा रहा है। वह आतुल ज़कात, और ज़कात देना है। आप देखेंगे कि सलात और ज़कात सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि बनी इसराइल के लिए भी थी। और ज़कात क्या है, जो माल निसाब के दर्जे को पहुँच जाए उसमें मखसूस परसेंटेज के एतबार से मुस्तहिक लोगों को देना साल के बाद। सुन्नत वल्लई तुम, ये सारे वादे करके तुम मुंह मोड़ गए, इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर बहुत थोड़े तुम में से। ये अल्लाह ताला का अदलो इंसाफ है कि थोड़े तुम में से नहीं फिरे, वो अपने अहद पे कायम रहे मगर कम थे। वह अंतुम मोरिदून, और हो ही तुम एराज बरतने वाले, यानी न तुम दिल से तवज्जो करते हो और वैसे भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं खैर और भलाई की बातों में। और अगर देखा जाए तो आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या, हम में से कितने लोग हैं जो इन सारी चीज़ों की पाबंदी करते हो। कुछ लोग जुज्वी तौर पर तो करते हैं, कुछ लोग नमाज के तो बहुत पाबंद होते हैं पांच लोग, लेकिन वालदैन से उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और रिश्तेदार तो किसी खाते में ही नहीं, और यतीम मिस्कीन तो याद ही नहीं आए कभी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, वो यतीमों मिस्कीनों का बहुत ख्याल करेंगे मगर माँ बाप घर में बीमार पड़े उनकी कोई परवाह नहीं, रिश्तेदारों की फिक्र नहीं। बाज़ लोग रिश्तेदारों से खूब बना के रखेंगे, दावतें हो रही हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब मेल मुलाकात, लेकिन अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपनी बरादरी के बाहर कौन क्या है कोई फिक्र नहीं। ये भी गलत है, यानी आप देखें यहाँ पर ख़ासतौर पर मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने रिश्तेदारों, अपने एक मखसूस सर्कल के अंदर घूमते हैं, उसके बाहर कौन किस हाल में हमारी बला से, ये दुरुस्त नहीं। तो इन सारी चीज़ों में इतदाल ज़रूरी है। फिर इसी तरह बाज़ूकत इंसान इंसानों के साथ तो बहुत खैर भलाई करता है मगर अल्लाह का हक मार देता। अकीमुस्सलात, अपनी जगह उसको आखिर में रखा ताकि इंसान ये सारे कामों के बाद जब फारिग होकर लौटे तो फिर क्या करे, अल्लाह की तरफ लौटे। फिर आतुज़्ज़कात, बाज़ लोग वैसे चैरिटी के काम बहुत करेंगे, तोहफे तहाइफ बहुत देंगे, हर जगह देंगे, लेकिन ज़कात को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये भी गलत है। तो इन सारी चीज़ों को जैसे कहा गया है वैसे करना ही इबादत है, और ये अहद सिर्फ बनी इसराइल से नहीं, ये अहद हमसे भी है, और हमें इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। वाखर